जिले फीवर क्लिनिक जहां टेस्ट होना उनकी संख्या बढ़ा दें, पर्याप्त मात्रा में फीवर क्लिनिक होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे उसमें कोई दिक्कत ना आए किसी को, ताकि हम समय पर टेस्ट और टेस्ट का कि जो रिपोर्ट है वो आ जाए 24 आवर्स में, ताकि स्प्रेडर के रूप में ना घूमे। और पंचायत स्तरीय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, अगर जरा भी लगता है क्योंकि तो उनको होम आइसोलेशन भी शहर में और गांव में उनको देखना पड़ेगा ज्यादातर, तो टेस्ट के बाद पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन में किट पहुंच जाए। किट मतलब दवाई, आपने देखा होगा सेकेंड लहर में अपन दवाई पहुंचा पाने में सफल हुए थे, तो उसके बाद गंभीर नहीं हो रहे थे लोग, कंट्रोल होना शुरू हो गया था। इसलिए टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उनके पास तत्काल मेडिकल किट पहुंचे, ताकि दवाइयों का सेवन वो शुरू कर दें और इंफेक्शन बढ़ ना पाए। किट में वो पैम्फलेट भी क्या करें क्या ना करें, तो गांव में पंचायत और शहर में बांट लो, क्योंकि विकेंद्रित व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई कलेक्टर बैठ के या प्रभारी मंत्री बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो ये काम पंचायत और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का है कि वो किट पहुंच रहा है कि नहीं उसकी व्यवस्था भी देख ले, क्योंकि देखिए आपके सहयोग से ही हम जीत पाएंगे। तो कृपया करके आप तत्काल किट पहुंचा दें। अगर जरा भी ऐसा लगता है कि कहीं घर के बजाय थोड़े लक्षण ज्यादा है, तो कोविड केयर सेंटर एक कम से कम चालू हो गया है हर जिले में। इस कोविड केयर सेंटर में या अस्पताल में भर्ती करें। फिर मैं फिर प्रभारी मंत्री जी कलेक्टर से कह रहा हूं कि भर्ती के लिए गाड़ी तैयार रहे, कहीं जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस, ताकि हम समय पे अस्पताल पहुंचा सकें। मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 5-6 चीजों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। पहली चीज टेस्ट, अभी हम 80,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब लक्षण नहीं होते तो स्प्रेडर के रूप में अगर टेस्ट नहीं करवाते तो व्यक्ति घूमता है तो बाकी को भी संक्रमित कर देता है। इसलिए जिलों को जो टेस्ट के लक्ष्य दिए हैं वो लक्ष्य पूरे होने चाहिए, टेस्ट पूरे जिले से होना चाहिए, नहीं कोई शहर से कर लिया गांव में आ गए पता ही नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आदरणीय जनप्रतिनिधि गणों से, प्रभारी मंत्रियों से सबसे आग्रह करूंगा कि वो रोज अपने क्षेत्र में टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। मेरी गांव की पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि वो जरा भी अगर सर्दी जुकाम है तो अपने गांव में जिनको है उनका टेस्ट जरूर करने की प्रेरणा दें, टेस्ट करवाएं, सैंपल देने में कोई मना ना करे तो सैंपल जरूर दें ताकि टेस्ट हो सके। दूसरी मेरी सारी पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि टीकाकरण से कोई ना छूटे। 15 से 17 वर्ष के नौजवान, स्कूल वालों का अधिकतम टीकाकरण हो गया, कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, 50% उपस्थिति अभी रहती है, तो उनका भी टीकाकरण आप सुनिश्चित कर सकते हैं, अकेले कलेक्टर के बस का नहीं है। गांव में आप ढूंढ लो कौन कौन बचे। मेरी सबसे अपील है कि गांव को केंद्रित करके करें। अब हमारे जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री भी है, जिसमें हमारे सांसद जी है, जिसमें हमारे विधायक जी है, जिसमें कलेक्टर्स हैं, CMHO बाकी सारे अधिकारी हैं, SP भी उसका पार्ट है। अब उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराना। आज
कुछ चीजें और आपके जो सुझाव है उसके आधार पर अभी मैं तय करूंगा, अंत में बताऊंगा। लेकिन जनता के सहयोग से अब यह जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। जो हमारी ब्लॉक स्तरीय कोविड क्राइसिस कमेटीज है उनको भी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय करके ब्लॉक में टेस्टिंग बढ़वाना है। विधायक साथी इसको विशेष रूप से देखें उनके क्षेत्र में। आपका तो एक कंट्रोल रूम आप बना लेना 24/7 कोई ना कोई बात करता रहे, यह सेवा का समय है जनता की। तो विधायक साथी अगर ये बना के जानकारी लेते रहेंगे और व्यवस्था ठीक चल रही नहीं चल रही इसको भी देखते रहेंगे और ठीक बनवाने में सहयोग करते रहेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा सचमुच में। और जहां हमको लगे ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर की जरूरत है तो कई जगह कोविड केयर सेंटर चालू हो गए। वहां विधायक मित्र सजेस्ट करें कि एक कोविड केयर सेंटर चाहिए, जिले के साथ कोऑर्डिनेट करके, यहां से कोऑर्डिनेट करके हम एक कोविड केयर सेंटर तैयार रखें। उसका फायदा यह होगा कि अनावश्यक रूप से जिन पेशेंट्स को अस्पताल नहीं जाना तो अस्पताल में बाकी बीमारियों का इलाज चलता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल भेजनी है, अपने अस्पताल तैयार है। तीसरी लहर के रूप में भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैंने पहले ही कहा कि घबराना नहीं है लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। केस तेजी से बढ़ने की संभावना भी है और इसलिए एक बार पूरी व्यवस्थाओं पर नजर हमने डाली है। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य पूरी दुनिया की तरफ से आया है कि इस लहर में जो संक्रमित होते हैं उसकी गंभीरता कम है, सीरियसनेस कम है और इसलिए अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रकरण अभी लगभग 3% से थोड़े ज्यादा है। पिछली लहर में आपको ध्यान होगा लगभग 40% तक हमको भर्ती करने पड़ते थे और ये जो वेरिएंट है उसका असर गले तक ही है, लंग्स में उतना प्रवेश नहीं कर रहा। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सजग ना रहें, पूरी सजगता से इस लहर का मुकाबला करते हुए कोविड की महामारी से हमको जीतना ही हमारा संकल्प है।